हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूट्रिशन 99। दोस्तों आज हम बात करेंगे ZMA की। ZMA सप्लीमेंट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जैसे वे प्रोटीन गेनर्स हैं उनकी तरह ही, लेकिन किन्हें यूज़ करना चाहिए आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ZMA की। ये मेरे पास है हेल्थवेट कंपनी का ZMA। देखते हैं पहले इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं और हमारे लिए किस तरह से वो बेनिफिशियल है। दोस्तों ZMA, जैसा कि इसके शॉर्ट फॉर्म से पता चल रहा है, ZMA यानी इसमें है जिंक, मैग्नीशियम एस्पार्टेट और विटामिन B6। ये हमारी स्पोर्ट्स में रिकवरी में काम करता है। जिंक का बहुत ज़्यादा काम है हमारी बॉडी के लिए। जब हम इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो जब हमें पसीना आता है तो जिंक की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसके लिए हमें जिंक लेना पड़ता है। जिंक के बहुत ज़्यादा काम है। जिंक हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाने में या फिर उसे बैलेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। दूसरा, अगर आपके मुँह में छाले पड़ जाएँ तो वो भी जिंक की कमी से ही होते हैं। तो इसलिए जिंक बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी मिनरल है आपकी बॉडी के लिए। दूसरा है मैग्नीशियम एस्पार्टेट। मैग्नीशियम आपकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करता है। अगर आपकी मसल सोरनेस हो गई है, आपने इंटेंस ट्रेनिंग की है, तीसरे चौथे दिन आपका वर्कआउट के लिए जाने का मन नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी में ये मिनरल्स की कमी हो गई है जिंक मैग्नीशियम की, उसी वजह से आप ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते। तो उसके लिए आपको चाहिए रिकवरी, जिससे कि आपके मिनरल पूरे हों, इसके लिए आपको दिया जाता है जिंक मैग्नीशियम। तीसरा है विटामिन B6। विटामिन B6 क्या करता है, वो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल बनाने के काम करता है, और जिससे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। अब हम देखते हैं कि इसकी डोज क्या है और कितने परसेंट आपको जिंक मैग्नीशियम और विटामिन B6 मिलता है। ये ऊपर की लाइनें आप पढ़ लीजिए, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है वो सब कुछ मैंने आपको अभी बताया है कि क्या क्या काम करता है जिंक मैग्नीशियम और विटामिन B6। आगे इन्होंने डोज सजेस्टेड यूज़ लिखा हुआ है, तीन कैप्सूल या फिर दो कैप्सूल वुमेन के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दो कैप्सूल ही यूज़ कीजिए। इसमें 30 mg यानी कि 200% जिंक बताई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है डेली डोज के अकॉर्डिंग। मैग्नीशियम जो है 450 mg, वो भी बहुत ज़्यादा है डेली डोज़ के अकॉर्डिंग। और विटामिन B6, ये इतनी ज़्यादा डोज इसलिए बताई गई है कि जब हम इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, जब हमें पसीना आता है, तो ये मिनरल की कमी हो जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1100 रुपये इसका प्राइस है। आपको अमेज़ॉन पे ये थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे काम हैं ZMA के। अगर आप नॉर्मल वॉक वगैरह करते हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं, तब आपको इस सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, कितने कैप्सूल हैं, कैसे कैप्सूल्स हैं, हम खोल के देखते हैं। दोस्तों अगर आप इसे खोल के देखेंगे इस बॉटल को, तो आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के वेज कैप्सूल्स मिलेंगे। ये देखिए ऐसे कैप्सूल्स हैं। ये आपको दो कैप्सूल से स्टार्ट करना है अगर आप इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो। अगर आपको भी रिकवरी नहीं होती, अच्छे से नींद नहीं आती रात को, ये सिर्फ कहीं बोलते हैं कि स्लीपिंग पिल्स हैं, बट ये स्लीपिंग टैबलेट्स नहीं है, ये है रिकवरी टैबलेट्स। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और आपकी आपको चाहिए रिकवरी, और ये रात को ही यूज़ करना है, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी रिकवरी होती है बॉडी में मसल्स की, इसलिए आपने ये रात को यूज़ करना है, वो भी सोने से इमीडिएटली पहले। मान लीजिए आपने 9 बजे या फिर 8 बजे डिनर किया है, तो आप 10 बजे अगर सोने लगे हैं तो 10 बजे आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों ये सब था अबाउट ZMA, जिंक मैग्नीशियम एस्पार्टेट और विटामिन B6। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।